उन्होंने धरला रैली सारे चीजों पे प्रतिबंध लगाया था, कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में तय था। तत्काल मुक्त कराया जाए। कवर्धा कर्पात्री जी महाराज एवं कबीर पंथ के आचार्यों की धर्म कर्म स्थिति रही है। पहली बार कवर्धा पर सांप्रदायिकता का कलंक लगा है, जिसके मूल में मंत्री मोहम्मद अकबर और उनके प्रिय पात्र एवं उनके कार्यशैली है। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश तथा जिला कबीर धाम की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तुरंत मोहम्मद अकबर को मंत्री पद से हटाए और उनके विधानसभा की सदस्यता समाप्त करे। में घूमते पुलिस की उपस्थिति में हिंदुओं की आस्था के प्रति भगवा ध्वज को फेंकना, उस पर थूकना और रौंदना से स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस पक्षपूर्ण कार्रवाई कर रही है। महोदय, इस घटना के साथ साथ आपका ध्यान एक विशेष विषय की ओर समय समय से विश्व हिंदू परिषद द्वारा आकर्षित किया गया है कि बाहरी मुसलमान प्रदेश में अंदर गाँव गाँव तक शहरों में घुसे रहे तथा कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। इस स्टेशन में भी आ रहे ना बार बार से अवैध रूप से रहने लगे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम के साथ यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है तथा मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में मोहम्मद अकबर भगाओ कबीर धाम बचाओ अभियान चलाया जाएगा। आगामी दशहरे के दिन कबीर धाम जिला के प्रत्येक ग्रामों में रावण के साथ स्थानीय विधायक मोहम्मद अकबर का पुतला दहन भी किया जाएगा। उसके पश्चात आंदोलन एवं अभियान चलाए जाएंगे। माननीय को आज मैं यह ज्ञापन आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भौदी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सर्व हिंदू समाज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।
मैं यहाँ पर आए हुए समस्त हिंदू समाज के और भिन्न भिन्न संगठन के मुखिया, आज जो हिंदू एकता का परिचय आपने दिया, यही हिंदुओं का एकता का परिचय हमें हमेशा दिखाना है, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे ये विधर्मी ऐसे ही हरकत करते रहेंगे। इसलिए आज मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जितने मेरे हिंदू भाई बहन आज उपस्थित है यहाँ पर और इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपको दे रहे हैं। हिंदू समाज के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार, एक पक्षी पुलिसिया कार्रवाई के संदर्भ में हमारी मांगे निम्न है। ध्यान से सुनेंगे। पहला मांग है, पूरी घटना की न्यायिक जांच की जाए और जिहादी मानसिकता वाले जिन्होंने भगवा ध्वज का अपमान किया, जय श्री राम के जय घोष से चीर कर दुनिया को फीका, उसकी हरला रैली सारे चीजों पे प्रतिबंध लगाया था, कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में तय था, धरना और ज्ञापन से नहीं। रैली तो हमने कहा था कि हम लेके जाएंगे, लेकिन उसका परमिशन क्या, किसी चीज का परमिशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आज धरना देकर के ज्ञापन अपना SDM साहब को सौंप दिया है और हम अपनी मांगों को रख दिए हैं और सीधे दो टुक कह दिए हैं। अकबर जो मंत्री है उसको छत्तीसगढ़ से हटाना है, ये संकल्प है हमारा। दूसरा, अगर किसी प्रकार से हमारे जो भाई जेल में बंद हैं उनको अगर निःशर्त रिहाई नहीं किया गया तो आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी विश्व हिंदू परिषद पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में करने जा रहा है। अकबर हटेगी कैसे? हटाएंगे, हम लोग हटाएंगे, समाज के लोग हटाएंगे उसको। जो हरकत हो रही है समाज देख रहा है सब चीज़ों को। आप कितनों भी भाईचारा का बात करें लेकिन मानसिकता समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है वहाँ पर, और समाज आपको जवाब देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी नहीं, बजरंग दल संयम भी जानता है और समय आने पर जो तक ऐसा होता है वो दिखाना चाहता है। ये ज्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना चरण बद्ध आंदोलन की तैयारी हमारी बन चुकी है। अगला स्टेप पूरे छत्तीसगढ़ में जेल भरो आंदोलन का हो सकता है और भी बड़े बड़े हमारे प्रदेश अभी जो आंदोलन की आवाज तैयारी कर रहे हैं, ये चरणबद्ध तरीके से होगा। जब तक सरकार को हमारी बात समझ में नहीं आएगी ये आंदोलन चलता रहेगा।